स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे आज के इस कहानी के सफर में। कहानी एक चतुर किसान की, उसने किस तरह से अपनी सूझबूझ से आने वाली मुसीबत का डटकर और बहुत ही मुस्कुराकर सामना किया। तो क्या है वो कहानी और क्या आई वो परेशानी, ये जानने के लिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये मस्ती की पाठशाला एक नए अंदाज में। तो आज की हमारी कहानी का नाम है किसान की चतुराई। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हुआ इस कहानी में। एक दिन मैं अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक देखिए ऐसा क्या हुआ जिसने मेरे सामने मुसीबत खड़ी कर दी। वैसे तो मुझे शहद खाना बहुत पसंद है, लेकिन अब मैं खा खा के बोर हो गया हूँ। मैं कुछ और खाने जा रहा हूँ। मुझे नहीं मारो। तुम क्या चाहते हो? मुझे नहीं मारो। अब जो भी फसल आएगी, जो तुम कहोगे मैं वो तुमको खिलाऊंगा। मुझे नहीं मारो। ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी होगी। अच्छा ठीक। अब ऐसी कौन सी फसल हो सकती है मैं ऐसा क्या बोऊं? अब जैसा कि मुझे भालू ने कहा कि उसे ऊपर का हिस्सा चाहिए और नीचे का हिस्सा मेरा होगा, तो बच्चों आप ही सोचकर बताइए कि मैं ऐसी कौन सी फसल बोऊं कि उसका खाने लायक भाग मेरे हिस्से में आ जाए और भालू को ऐसा कुछ भी ना मिले। सोचिए जरा। बिल्कुल सही। हम क्यों ना आलू बो दें? अगर हम आलू बो देते हैं तो उसमें ऊपर के हिस्से में पत्तियां होती हैं और नीचे होते हैं आलू, तो इस तरह से आलू आ जाएंगे मेरे हिस्से में और मुझे भालू को केवल पत्तियां पत्तियां ही देनी पड़ेंगी। तो अब देखिए मेरी फसल तो तैयार हो गई। अब देखते हैं कि जब भालू आएगा तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। अरे तुम फिर आ गए। मेरा हिस्सा कहाँ है? ये रहा तुम्हारा हिस्सा और ये है मेरा। मैं पत्तियां खाऊंगा। तुम्ही ने तो शर्त रखी थी कि ऊपर की फसल मेरी और नीचे की तुम्हारी। तो मैंने आलू बोया था, तो ऊपर मैंने आलू बोया था और ऊपर की फसल में आई पत्तियां और नीचे जड़ों में थे आलू, तो इस तरह से ये रहा मेरा हिस्सा और तुम्हारे हिस्से में आई ये पत्तियां। अगली बार नीचे की फसल मेरी और ऊपर की तुम्हारी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। जैसा कि भालू ने फिर से शर्त रखी है कि उसे अब की बार नीचे का हिस्सा चाहिए और बचा हुआ ऊपर का हिस्सा मेरा होगा, तो बच्चों फिर से एक बार सोचिए कि अब की बार मैं ऐसी कौन सी फसल बोऊं कि फिर से मुझे खाने वाला भाग ही मिले। सोचिए जरा। बिल्कुल सही सोचा आपने। क्यों ना इस बार मैं बो दूं गेहूं, क्योंकि गेहूं में ऊपर होती हैं बालियां और उससे निकलते हैं सुनहरे सुनहरे गेहूं के दाने और नीचे होती हैं जड़ें, तो इस तरह से मुझे भालू को देना पड़ेगा सूखी हुई जड़ें और मेरे हिस्से में आ जाएंगे गेहूं के दाने। अब तो मेरी फसल तैयार हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि अब भालू आएगा तो मुझे कौन सा हिस्सा देना होगा और कौन सा हिस्सा मेरे पास आएगा। चलिए आइए देखते हैं। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। मैं ये खाऊंगा। यही तो तुम्हारी शर्त थी कि नीचे की फसल मेरी होगी और ऊपर की तुम्हारी, तो तुम्हारी शर्त के मुताबिक मेरे हिस्से में आए ये सुनहरे गेहूं के दाने और तुम्हारे आए हिस्से में आया ये भूसा, और इसको अब तुम ले सकते हो। लगता है अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगली बार सबसे ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तो बड़ी जटिल समस्या हमारे सामने। अब की बार भालू ने शर्त रखी है कि सबसे ऊपर की और जमीन के नीचे की दोनों फसलें भालू को मुझे देनी पड़ेगी और जो बचा हुआ पार्ट होगा, जो बचा हुआ हिस्सा होगा, वो मेरे हिस्से में आएगा।
तो अब आप ही सोचकर बताइए कि मैं ऐसी कौन सी फसल वो कि मेरे हिस्से में फिर से खाने वाला भागी आए और मुझे भालू को कुछ भी ना देना पड़े। तो हम इस बार बोलने वाले हैं गन्ना। गन्ने में सबसे ऊपर होती हैं पत्तियां और नीचे होती हैं जड़ें। तो मुझे ये दोनों ही भाग देने पड़ेंगे भालू को, जबकि बीच के रसीले गन्ने आएंगे मेरे हिस्से में। तो अब मैं लगाता हूँ गन्ने की फसल। अब ये मेरी गन्ने की फसल तैयार हो चुकी है। चलिए अब देखते हैं कि भालू आएगा तो क्या होगा। फिर आ गए, मेरा हिस्सा कहाँ है? अभी मैं देता हूँ तुम्हारा हिस्सा। इस बार मैंने ऊपर और नीचे दोनों ही मांगे हैं, इससे जरूर इस बार मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। जल्दी दो। ये लो, तुम्हारी शर्त के मुताबिक ये रहा तुम्हारा हिस्सा और ये रहा मेरा हिस्सा। क्या मैं ये खाऊंगा? मैं ये नहीं खाऊंगा। तुम्हारी शर्त के मुताबिक तुमने कहा था मुझे सबसे ऊपर और नीचे की फसल ले चाहिए, तो मैंने इस बार बोया था गन्ना। तो गन्ने में सबसे ऊपर होती हैं ये पत्तियां, तो शर्त के मुताबिक ये पत्तियां तुम्हारी, और नीचे होती है भूमि के अंदर ये जड़े, तो ये भी हुई तुम्हारी। तो इस तरह से ये दोनों आए तुम्हारे हिस्से में, जबकि मेरे हिस्से आए मेरे ये रसीले गन्ने। तो शर्त के मुताबिक ये हिस्सा हुआ मेरा और ये दो हिस्से हुए तुम्हारे। अरे मेरा तो सर ही चकरा रहा है, मेरे लिए मेरा शहद ही ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो इस तरह से किसान की सूझबूझ से और जरा सी चतुराई से देखा आपने बच्चों, किस तरह से भालू दुमदबा के भाग गया और किसान को क्या मिली? खुशी। खुशी मिली, अपनी बुद्धि का उसने इस्तेमाल किया और कैसे इस परेशानी से बाहर निकल कर आया। तो चलिए बच्चों, अब आपके मन में उठने वाले कुछ सवालों को देख लेते हैं। सबसे पहले, किसान ने भालू से अपनी जान कैसे बचाई? जरा सोच कर बताइए। बिल्कुल सही, किसान ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। दूसरा सवाल, भालू कब चिढ़कर रह गया? सोचिए तो जरा। बिल्कुल सही सोचा आपने, भालू तब चिढ़ गया जब उसे खाने की लिए मिली केवल पत्तियां और आलू वो देखता ही रह गया। अब देखें तीसरी बार भालू ने क्या शर्त रखी, आप सभी को याद होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, तीसरी बार भालू ने कहा था कि मुझे सबसे ऊपर की फसल और नीचे की फसल चाहिए, यानी कि तब किसान ने क्या बोया था? बिल्कुल सही, गन्ना बोया था। तो ये हुआ हमारे तीसरे सवाल का जवाब। अब एक अगला प्रश्न आया, अब ये प्रश्न आपको सोचना है और बताना है कि अगली बार भालू कौन सी शर्त लगाता। आपकी पुस्तक में अभी तक आपने तीन ही तरह की शर्तें देखी, लेकिन अगर भालू फिर चौथी बार आता तो वो क्या शर्त लगाता, जरा सोच के देखिए। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा आप नजदीक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सही, अब वो कहता कि अब की बार तो मैंने ऊपर का मांगा तब भी नहीं मिला, नीचे का मांगा तब भी मुझे नहीं मिला कुछ, और जब मैंने ऊपर नीचे दोनों मांगा तब भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, अब तो मुझे बीज की फसल चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, तो अब सोचिए किसान कौन सी फसल उगाएगा। तो अब आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा नजदीक हैं इसके। आप किसान उगा सकता है मूली, जिसकी की पत्तियां भी खाई जाती हैं और मूली यानी कि जड़ भी खाई जाती है, लेकिन अगर हम बात करें बीज के हिस्से की तो वो है उसके पतली पतली डंठल, जो कि किसान के किसी भी काम की नहीं है, वो फिर से उसको भालू को दे देगा। तो ये हैं हमारे कुछ मजेदार सवाल और ये थे उनके जवाब। तो बच्चों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि अगर जीवन में कोई भी समस्या आती है तो उसका हल इन दो ही ऑप्शंस यानी दो ही विकल्पों पर निर्भर करता है, यस या नो, यानी हाँ या ना। तो हम हाँ या ना इस बात का निर्णय अगर सही समय पर सही सूझबूझ के साथ लें तो हम किसी भी समस्या का आसानी से हल निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आने वाली किसी भी मुसीबत का डटकर सामना करिए,
बिल्कुल मुस्कुरा कर सामना करिए, अपनी सूझबूझ का, अपनी चतुराई का उपयोग कीजिए, तो अपनी आप हर समस्या से निजात पा सकते हैं और इसी तरह से ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं फिर हम, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।